गुड मॉर्निंग, आप सब लोग का एक बार फिर से हमारे एके इन्फो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हमारे पास एक फॉल्ट आया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जब भी कंप्यूटर को स्टार्ट करते ही यही मैसेज आता है। जैसे हम अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर लेते हैं, जब ये स्टार्ट होता है स्क्रीन पे सेम मैसेज आता है हर बार। इस तरह का मैसेज आए तो क्या प्रॉब्लम होता है, उसी के बारे में आज हम बताएंगे आपको कि इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे सिस्टम स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर थोड़ा देर हैंग हो जाता है सिस्टम, थोड़ी देर के बाद मैसेज आती है बूट डिस्क नॉट फाउंड। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बूट डिस्क, नीचे देखिएगा बूट डिस्क फेलियर का मैसेज आ रहा है, इंसर्ट सिस्टम डिस्क एंड प्रेस इंटर। तो प्रॉब्लम ये है कि जब भी सिस्टम को स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर स्क्रीन हैंग हो करके और ये मैसेज आ जाता है डिस्क बूट फेलियर, इंसर्ट सिस्टम डिस्क एंड प्रेस इंटर, ये मैसेज आता है। यहाँ की इंफॉर्मेशन में भी आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर डिस्क की ड्राइव ए, मास्टर डिस्क प्राइमरी, प्राइमरी स्लैब डिस्क सेकेंडरी, मास्टर डिस्क सेकेंडरी स्लैब डिस्क, इस तरह का मैसेज आ रहा है। यहाँ पर सब में नन लिखा हुआ है, ये इंफॉर्मेशन देती है कि आपके सिस्टम में कौन कौन से हार्ड डिस्क और या आपके डीवीडी राइटर साटा पोर्ट के थ्रू कनेक्टेड है, वो सब का डिटेक्शन यहाँ पे शो करता है। तो यहाँ पे नन दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो डिटेक्ट करके, मतलब कोई भी हार्डवेयर को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। इस सिस्टम में एक ही हार्ड डिस्क लगी हुई है और कोई दूसरी डीवीडी राइटर नहीं है, इसलिए सारे के सारे नन दिखा रहा है। मतलब क्या है कि हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, ऐसा इस मैसेज आता है। तो ज़्यादा प्रॉब्लम होता है विंडोज की भी इशू होती है, हार्ड डिस्क के प्रॉपर कनेक्ट नहीं होता है, हार्ड डिस्क की केबल जो साटा केबल होती है वो प्रॉपर कनेक्ट नहीं होती है, पावर का इशू होता है, पावर वाली कनेक्टर्स हार्ड डिस्क में प्रॉपर लगी नहीं होती है, या हार्ड डिस्क भी खराब हो सकता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम में हमें सबसे पहले तो मैसेज ये देख लेना चाहिए, उसके बाद आपको बायोस में भी एक बार जा करके चेक कर लेना चाहिए कि वहाँ पर हार्ड डिस्क डिटेक्शन है कि नहीं। वैसे यहाँ पर मैसेज जो आ रही है डिटेक्शन नहीं है, लेकिन एक बार फिर से चेक कर लेना चाहिए। तो हम सिस्टम को अल्ट कंट्रोल डिलीट बटन प्रेस करके, सिस्टम को अल्ट कंट्रोल डिलीट बटन प्रेस करके रिस्टार्ट करेंगे। देखिए कीबोर्ड अभी भी काम नहीं कर रहा है, तो इस तरह का कुछ देर तक हमें फिर से बायोस में जाना है, तो आप रीस्टार्ट बटन प्रेस कर लीजिए और यहाँ पर डिलीट बटन लगातार प्रेस करते रहिए। अगर आपका कीबोर्ड इस तरह के कंडीशन में काम न करने लगे, सिस्टम को रीस्टार्ट कीजिए और उसी समय डिलीट बटन प्रेस करते रहिए। ये डिपेंड करता है सिस्टम के ब्रांड के ऊपर, जैसे मैसेज यहाँ पर आ रहा है प्रिपेयर टू इंटर सेटअप, इसमें भी थोड़ी सी टाइम लग रही है क्योंकि हार्ड डिस्क जो है कहीं ना कहीं सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो स्क्रीन को थोड़ा सा हैंग कर देता है, सिस्टम को थोड़ा सा स्लो कर देता है स्टार्टिंग पॉइंट पे। ये सब हार्ड डिस्क से ही रिलेटेड प्रॉब्लम होती है और साफ साफ हमें दिख भी रहा है कि हार्ड डिस्क जो है बूट नहीं कर पा रहा है। थोड़ा वेट करते हैं, बायो सेटअप में जाएंगे और चेक कर लेंगे कि वहाँ हार्ड डिस्क की डिटेक्शन है कि नहीं, ये भी देख लेना। जैसे देखिए सेटअप ओपन हो गया है, अब यहाँ पर स्टैंडर्ड सिमोस फीचर्स के अंदर इंटर करते हैं। जैसे ये यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आती है, मास्टर स्लैब, मास्टर स्लैब, ये जो आपके साटा पोर्ट बने होते हैं ना मदरबोर्ड में, उसका इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिखाता है, उसमें कितने हार्ड डिस्क डीवीडी राइटर लगे हुए हैं। तो यहाँ पर सब की सब नन आ रही है, मतलब किसी तरह से डिटेक्शन नहीं है। ये हो सकता है कि वायर लूज कनेक्शन हो साटा केबल का, सब चेक करके आपको देखना पड़ेगा। इसलिए डायरेक्ट कैबिनेट को नहीं खुलना चाहिए, डायरेक्ट आपको पहले बायोस में आना चाहिए, बायोस में यहाँ डिटेक्शन देख लेना चाहिए, यहाँ डिटेक्शन है कि नहीं। यहाँ डिटेक्शन है इसका मतलब ओएस वगैरह की प्रॉब्लम होती है, तो रीइंस्टॉलेशन करना चाहिए। अब यहाँ पर भी डिटेक्शन नहीं है, तो फाइनली हम कैबिनेट को ओपन करते हैं और देखते हैं हार्ड डिस्क में या फिर केबल में क्या इशू है। तो सबसे पहले आप सिस्टम को पावर ऑफ कर लीजिए, यहाँ से पावर ऑफ प्रेस करके कर लीजिए, पावर केबल को रिमूव कर दीजिए और सारे कनेक्टर्स को रिमूव करके केबल, बीजीए केबल, पोर्ट वगैरह सारे हटा लीजिए। उसके बाद कैबिनेट को ओपन करना है, कैबिनेट को कवर को खोलिए, इसको साइड कीजिए। अब यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं कि ये एक लैपटॉप की 2.5 इंच वाली हार्ड डिस्क जो है इसके अंदर कनेक्ट की गई है, पतली वाली, इसे भी आप लगा करके चला सकते हैं डेस्कटॉप में।
जैसे कि आजकल SSD वगैरह आ गए हैं तो वो भी 2.5 इंच में भी आते हैं, तो इसमें एक लैपटॉप का हार्ड डिस्क लगाया हुआ है। अब ये इसमें क्या सिचुएशन है, सबसे पहले तो हमें हार्ड डिस्क को बाहर निकाल करके हाथ में लेकर के देखना होगा कि उसमें पावर आ रही है कि नहीं आ रही। पावर जब आती है तो उसमें स्पिंडल मोटर लगा होता है जो स्पिन करता है, हार्ड डिस्क के मूवमेंट से पता चलता है। तो सबसे पहले तो हम हार्ड डिस्क को बाहर निकालेंगे, इसके लिए स्क्रू ड्राइवर लेकर के इसके स्क्रू को खोलेंगे। ये देखिए, ये है लैपटॉप वाली हार्ड डिस्क, लगा करके यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये 320 GB की लैपटॉप की हार्ड डिस्क है, स्लिम वाली, पतली वाली, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हो गई साटा केबल जो मदरबोर्ड से कनेक्टेड है, और ये हो गई पावर, हार्ड डिस्क की पावर के लिए केबल। अब दोनों प्रॉपर कनेक्टेड है, एक बार हम साटा केबल को निकाल करके साफ करके देख लेंगे, पोर्ट वगैरह चेंज करके देख लेंगे, दूसरी केबल को भी लगा करके एक बार चेक कर लेंगे। दोनों कनेक्शन जो है प्रॉपर है, यहाँ पर कनेक्टर्स को भी कभी कभी साफ सुथरा करके देख लेना चाहिए, वैसे साफ है। यहाँ पर फिर से इसे कनेक्ट करके अब हम पावर दे करके देखेंगे, सबसे पहले इसमें पावर आ रही है कि नहीं। पावर आने पे ये जो हार्ड डिस्क इसके अंदर की मोटर जो है स्पिन करती है, वाइब्रेट होती है, आपको महसूस होगा यहाँ पर। तो हम इसमें पावर देते हैं, पावर दे करके सिस्टम को ऑन करते हैं। अब यहाँ पर किसी भी तरह का वाइब्रेशन नहीं है, यानी हार्ड डिस्क में कोई वाइब्रेशन नहीं है, यानी कि पावर की इशू है कि पावर जाने के बाद, और हार्ड डिस्क जो है नीचे से थोड़ा सा हीट कर रहा है, लेकिन कोई इस मोटर का मूवमेंट नहीं है, इसके अंदर कोई रोटेशन नहीं है, कोई स्पिन नहीं हो रहा है मोटर, यानी कि पावर का प्रॉब्लम है, मोटर चल नहीं रहा है। मोटर जब तक चलेगा नहीं तो डिटेक्शन कैसे होगा, डिटेक्शन ही नहीं है, यही इशू है इसके अंदर। तो इस हार्ड डिस्क को हम पहले चेक करते हैं, पावर कट करके इसका कनेक्शन हटा लीजिए, सिस्टम को पावर ऑफ कर दीजिए, हार्ड डिस्क को निकालिए, और इस हार्ड डिस्क को थोड़ा सा हम सर्विस करके देखेंगे। इसमें एक्चुअली हार्ड डिस्क पुराने हो जाने पे इस पर डस्ट लग जाती है, इसके अंदर जो मोटर का कनेक्शन होता है उस पर डस्ट लग जाता है, इसके अंदर जो हेड की जो लॉजिक कार्ड से कनेक्शन बनी होती है, जो पॉइंट्स बने होते हैं उस पर डस्ट लग जाता है। तो उसको सर्विस करके देखेंगे, उससे भी ये इसमें प्रॉब्लम होती है, इसको हम खोल करके पहले देखते हैं। अभी इस हार्ड डिस्क को हमने यहाँ पर रख लिया है, और इसके लॉजिक कार्ड को सबसे पहले हम ओपन करेंगे, सारे स्क्रूज को खोल करके साइड करेंगे, बढ़िया वाला स्क्रू ड्राइवर यूज करेंगे हम लोग। स्क्रू ड्राइवर अगर अच्छी होगी तो स्क्रूज खराब नहीं होंगे। एक्चुअली क्या करते हैं लोग, थर्ड क्लास का स्क्रू ड्राइवर यूज करते हैं, जिससे स्क्रू के जो थ्रेड्स होते हैं वो खराब हो जाते हैं। तो बढ़िया वाला मैग्नेटिक पॉइंट वाला यूज करना चाहिए। अब ये लास्ट में स्क्रू खुल गई है, इसको ओपन करते हैं, स्क्रू को साइड में रख करके इसको आराम से ओपन करेंगे। जैसे कि आप ओपन कर रहे हैं, तो ये हो गई आपकी लॉजिक कार्ड, और ये हो गया लॉजिक कार्ड की डस्ट ऑब्जर्वर, इसमें डस्ट वगैरह ऑब्जर्व कर जाती है, और यहाँ पर एक कूलिंग पैड लगा हुआ है इस चिप के लिए, इसको साइड में रखेंगे। और यहाँ से कि ज़्यादा डस्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप थोड़ी सी देख सकते हैं कि ये जो हार्ड लॉजिक हेड की जो पॉइंट्स होती है, इसके अंदर हेड कनेक्टेड होता है, ये जो हेड की पॉइंट्स होती है वो यहाँ पर कनेक्ट होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं पॉइंट्स में काफ़ी डस्ट लगा हुआ है, ये जो ब्लैक ब्लैक देख रहे हैं ना, ये डस्ट लगा हुआ है। तो इसको आप रबर से साफ करेंगे, रबर से साफ करके इसको क्लीन करेंगे, पॉइंट्स को क्लियर करके इसको फिर से कनेक्ट करेंगे, इसके पिंस को भी ब्लेड से थोड़ा सा साफ कर देंगे, मोटर के पॉइंट्स को भी रबर से साफ करेंगे। अब मोटर की जो कनेक्शन है वो यहाँ पर, ये देखिए ये पिंस वाली है, इसको भी थोड़ा सा साफ करेंगे। तो ये सब साफ सुथरा करके, और अगर डस्ट लगी होती तो इस पे ब्रश से साफ कर देते, या फिर आपके पास थिनर है, डिकोट थिनर वगैरह, तो उससे भी साफ करके, और इसको प्रॉपर हीटिंग करके, थोड़ा सा हीट दे करके सुखा करके फिर से कनेक्ट कर सकते हैं। इसको सर्विस करना कहते हैं। जब भी इस तरह के हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम है तो एक बार आप सर्विस करके देख सकते हैं। इतना हम प्रोसेस करके देखते हैं इसमें।
हमारे पास इरेजर है, इसे इसके पॉइंट्स को साफ करेंगे। ये देखिए, डस्ट को अच्छी तरह से साफ कर लीजिए। पहली बार तो आप रबर से ही साफ कीजिए, अगर फिर भी साफ ना हो तो आप थिनर वगैरह का यूज कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के गोल्डन पॉइंट्स को रबर से ही साफ करना चाहिए। इस तरह के पॉइंट्स को या फिर रैम में जो उसकी पॉइंट्स बनी होती है उसे भी रबर से ही साफ करना चाहिए। सीपीयू के जो टिप्स बने होते हैं उसे भी रबर से साफ करना चाहिए। सभी टिप्स को प्रॉपर तरीके से साफ कीजिएगा तो जो ब्लैक डॉट्स बने हुए हैं वो उसके ऊपर से हट जाएंगे। ब्लैक डॉट्स जो है सब हट गए हैं यहाँ से। और एक बार इस तरह के जो पीने हैं यहाँ पर, इसको भी थोड़ी सी प्रॉपर साफ कर लेनी चाहिए। इसके ऊपर ब्लेड वगैरह से साफ कर सकते हैं। अब इसके पॉइंट्स को भी ब्लेड मिले या फिर किसी तरह के मेटल पॉइंट से इस पर थोड़ा सा स्क्रैच कर दें। इससे क्या होता है कि इस पर जो कार्बन्स लगी होती है ना वो प्रॉपर हट जाती है। इस तरह से करके ज़्यादा जोर से नहीं, बस हल्का हल्का यहाँ पर स्क्रैच मार दीजिए ताकि कार्बन्स जो है पॉइंट्स के ऊपर से हट जाए। ऐसा करके अब लास्ट में ये जो मोटर की डॉट्स बनी होती है, पॉइंट्स बनी होती है, इसको भी प्रॉपर साफ कर लेना चाहिए इस तरह से। ये देखिए, अब यहाँ पर साफ हो गई। अब इसके डस्ट ऑब्जर्वर को थोड़ा सा देखेंगे, इसमें ज़्यादा डस्ट तो है नहीं, डस्ट है ही नहीं इसमें, प्रॉपर पैक रहता है इसलिए ज़्यादा डस्ट नहीं है। अब इसको लॉजिक कार्ड के ऊपर लगाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे इस तरीके से लॉजिक कार्ड के ऊपर लगाएंगे। अगर ये डस्ट ऑब्जर्वर नहीं रहेगी तो और ज़्यादा डस्ट आएगा, और ज़्यादा फंगस वगैरह लग जाएगा, जिससे कनेक्टिविटी में और प्रॉब्लम आ सकती है। इस तरह से आप हार्ड डिस्क को कनेक्ट कीजिए, ऐसे देख करके प्रॉपर फिटिंग में इस तरह से बिठा दीजिए। स्क्रू को वापस कनेक्ट करेंगे। तो प्रॉपर स्क्रू को लगा करके प्रॉपर टाइट कर देंगे। ये देखिए, प्रॉपर हो गई। इस पॉइंट्स को भी थोड़ी से साफ कर लेते हैं। ऐसे साफ है फिर भी थोड़ा सा रबर से साफ कर देंगे तो चमकने लगेगी रबर से। अब इस हार्ड डिस्क को कनेक्ट करके चेक करते हैं। पहले तो इस हार्ड डिस्क में पावर दे करके चेक करते हैं कि मोटर वाइब्रेशन हुआ कि नहीं, मोटर चल रही है कि नहीं। कनेक्टर लगा करके उसको ऑन करके देखते हैं। थोड़ी बहुत वाइब्रेशन हो रही है, मोटर चल रही है। पहले जो मोटर नहीं चल रही थी, मोटर अभी चल रही है। अब देखते हैं प्रॉपर डिटेक्शन आता है कि नहीं। तो यहाँ से इस सिस्टम को ऑफ कर देते हैं। अब इसमें केबल लगा करके डिस्प्ले पे कनेक्शन करके देखते हैं। कीबोर्ड लगा देते हैं, पावर कनेक्ट करके ऑन करके देखते हैं स्क्रीन पे क्या स्टेटस है, जो सर्विस हमने किया वो से कुछ बेनिफिट हुआ या नहीं। यहाँ पर डिलीट बटन प्रेस करते हैं और सबसे पहले बायो सेटअप में चले जाते हैं, डिटेक्शन हुआ या नहीं ये चेक कर लेते हैं। अब स्टार्ट करते हैं बायो सेटअप में ले जा करके देखते हैं हार्ड डिस्क डिटेक्शन हुआ या नहीं हुआ। अभी बायो सेटअप में जाने के लिए डिलीट बटन प्रेस करते रहेंगे और यहाँ पर स्टैंडर्ड सीमॉस फीचर में एंटर करेंगे
ये देखिए यहाँ पर हार्ड डिस्क जो है डिटेक्ट कर गया है। तो इस तरह से कभी कभी डस्ट की वजह से भी प्रॉब्लम होती है, तो हार्ड डिस्क को सर्विस करके भी आप देख सकते हैं। अगर सर्विस करने के बावजूद भी ना हो, या फिर हार्ड डिस्क में से किसी तरह की आवाज़ आने लगे, या फिर हार्ड डिस्क का लॉजिक कार्ड काफ़ी ज़्यादा हीट करने लगे, तो उस समय डिटेक्शन नहीं होती है। अब डिटेक्शन नहीं होती है तो उस सिचुएशन में सिर्फ एक ही ऑप्शन बच जाता है कि हार्ड डिस्क को रिप्लेस किया जाए। अगर फिर भी काम ना हो तो हार्ड डिस्क को रिप्लेस करके फिर से नया विंडोज़ यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन हार्ड डिस्क से रिलेटेड प्रॉब्लम आए तो ये सब प्रोसेस आप पहले करके देखिए, सर्विस करके ज़रूर देखिए। तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं आपको एक अलग दूसरे वीडियो में एक नया पार्ट लेकर के। अगर आपको इस तरह का टेक्निकल कोई कोर्स करना है तो हमारे नंबर पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए और हमारे इंस्टीट्यूट पर विजिट कीजिए, कोर्सेज के बारे में जानकारी लीजिए। इस वीडियो में इतना ही।